प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी भारतीय भाषाएं हमारा गौरव और विरासत है और उन्हें समृद्ध किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। राजभाषा हिंदी का हर भारतीय भाषा से अटूट रिश्ता है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। ये 75 साल की यात्रा हिंदी के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के दो पूरक है, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो या बांग्ला हो, हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है। और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के एम मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी।